नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों आज हम बात करेंगे अमेरिका के सबसे बड़े राज्य की और वहां के शहर न्यूयॉर्क की। जी हाँ, पूर्वोत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका का ये एक राज्य है। न्यूयॉर्क उन 13 उपनिवेशों में से एक था जिसे संयुक्त राज्य का गठन किया गया था। राज्य के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क शहर में राज्य की 40% से अधिक आबादी रहती है। राज्य की 2/3 जनसंख्या न्यूयॉर्क महानगरीय क्षेत्र में रहती है और करीब 40% लोग लॉन्ग आइलैंड में रहते हैं। राज्य और शहर का नाम 17वीं सदी में ड्यूक ऑफ यॉर्क यानी कि इंग्लैंड के भावी राजा जेम्स द्वितीय के नाम पर रखा गया। दोस्तों न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है और यह एक वैश्विक शहर भी है। आपको बता दें कि यहाँ पर न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय भी है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक, वित्तीय और मीडिया राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ यह दुनिया का आर्थिक रूप से सबसे शक्तिशाली शहर माना जाता है। इसके अलावा भी बड़े शहर कई हैं मगर न्यूयॉर्क के मुकाबले में ये कोई भी शहर इसके सामने नहीं टिक पाते। न्यूयॉर्क में यूरोपीय लोगों के आगमन से पहले कई सौ वर्ष तक अल्गोनक्विचियन और इंडरकोवन बोलने वाले मूल अमेरिकी जनजाति यहाँ पर बसी हुई थी। आने वाले पहले यूरोपीय लोग फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों से थे। यहीं 1609 में इस क्षेत्र में डच के लिए हेनरी हडसन द्वारा यहाँ पर दावा किया गया, जिसके बाद उन्होंने एक न्यू नीदरलैंड का नाम कॉलोनी इस नाम से कॉलोनी बसाई थी। और 1664 में इंग्लैंड ने डच से कॉलोनी लेकर के उस पर कब्जा कर लिया था। आपको बता दें कि 2016 के अनुमान के मुताबिक राज्य की जनसंख्या 1,97,45,289 है। इस हिसाब से इसका सभी राज्यों में चौथा स्थान हुआ। क्षेत्र के मामले में इसका स्थान भी 27वां है। लगभग 70% जनता सिर्फ अंग्रेजी बोलती है, 15% स्पेनी हैं, 3% चीनी, बाकी अन्य भाषा बोलने वाले यहाँ पर लोग बसते हैं। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा और प्रमुख नगर माना जाता है जो अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित है। ये शहर विश्व व्यापार, वाणिज्य, संस्कृति, फैशन और मनोरंजन तथा इसका बहुत बड़ा प्रभाव पूरी दुनिया पे है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों का प्रमुख केंद्र भी न्यूयॉर्क माना जाता है। इसके अलावा अटलांटिका की ओर मुख किए हुए इस विशाल बंदरगाह वाले महानगर में 5 बरो यानी प्रशासनिक इकाइयां मौजूद हैं। इसमें कुछ द्वीप भी हैं, बॉक्सन्स, बुकलिन, मैनहट्टन, क्वींस और स्टेटन द्वीप। दोस्तों यहां पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, इतनी विश्व प्रसिद्ध बिल्डिंगें यहां पर आपको दिखाई दे जाएंगी। इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क शहर के चारों तरफ हरियाली इतनी आपको नज़र आएगी कि आपको लगेगा कि पूरा जंगल है। विश्व की प्रसिद्ध जगहें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो इंडिया में स्थित है, जो इस समय की सबसे बड़ी प्रतिमा है, लेकिन उससे पहले स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यहाँ पर मौजूद थी जिसे विश्व धरोहर भी माना जाता था और विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा मानी जाती थी। अब उसका स्थान दूसरे नंबर पर आ गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी हिंदुस्तान में गुजरात में स्थित है और बहुत बड़ी प्रतिमा है। दोस्तों न्यूयॉर्क शहर अर्थव्यवस्था के मुकाबले में वैश्विक व्यापार का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर हडसन नदी भी है। हडसन घाटी के माध्यम से ये न्यूयॉर्क खाड़ी की ओर बहती है। दुनिया का सबसे बड़ा फॉल यानी नियाग्रा फॉल भी यहाँ पर मौजूद है। आपको यहाँ पर चारों तरफ बड़े बड़े ब्रिज दिखाई देंगे जो इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। सफाई के मामले में ये दुनिया के अंदर बड़े शहरों में माना जाता है। विश्व की सबसे आधुनिक चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। न्यूयॉर्क के बारे में कई चकाचौंध करने वाले और चौंकाने वाले तथ्य भी मौजूद हैं जो हम किसी दूसरी वीडियो में बातचीत करेंगे। इसके अलावा दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक और आप यूँ कह सकते हैं कि एक जीनियस आइंस्टीन का दिमाग भी यहाँ के एक संग्रहालय में रखा हुआ है। उसकी दोनों आंखें भी यहाँ पर संभाल कर रखी हुई हैं। कई साल तक उन पर रिसर्च चलता रहा। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि न्यूयॉर्क अमेरिका की राजधानी है।
या उन्हें ऐसा लगता है, लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क नहीं है बल्कि वॉशिंगटन डीसी है। हाँ, अमेरिका की राजधानी एक बार रहा था, लेकिन वो 1700 ईस्वी की बात है, जब केवल एक वर्ष के लिए इसे राजधानी बनाया गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया की सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोलने वाला शहर न्यूयॉर्क है। यहाँ पर लगभग 800 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क में एक ऐसा बैंक है जहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा सोना है, और इस सोने को ज़मीन की गहराई में यानी 80 फीट गहराई के अंदर रखा जाता है। न्यूयॉर्क में एक फेमस बिल्डिंग है जिसे एम्पायर स्टेट कहा जाता है, जिसे दुनिया की पहली स्काइस्क्रैपर माना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा टीवी प्रिंटर हाउस, जो कि एक होटल है और दुनिया का सबसे महंगा होटल है, वो भी न्यूयॉर्क सिटी में है। अगर यहाँ पर आपको एक रात ठहरना है तो 39 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। और इसकी खास बात यह है कि इस होटल से अगर पूरे न्यूयॉर्क सिटी को देखेंगे तो 3 डिग्री पर आपको पूरा न्यूयॉर्क शहर दिखाई देगा। इसके अलावा न्यूयॉर्क शहर में एक ऐसी बिल्डिंग आपको दिखाई देगी जो अपने आप में अनोखी है, और वो अनोखी इसलिए है कि इस बिल्डिंग के अंदर एक भी खिड़की आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन ये बिल्डिंग अन्य इमारतों से काफ़ी ऊंची है, यानी बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक भी खिड़की के लिए जगह नहीं है। यूँ समझ लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा खंभा है ये। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि वहाँ के एक पार्क में, कहीं पर भी सेंट्रल पार्क जो है, उसमें अगर आपको हॉट डॉग या और दूसरी चीज़ों का अगर आप रेहड़ी लगाना चाहते हैं या स्टैंड लगाना चाहते हैं, तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आपको हर साल कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, यानी बतौर किराया आपको देना पड़ेगा, और वो पैसे हैं $3,00,000। दोस्तों, ये बिजनेस चाहे छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन वास्तव में ये बहुत बड़ा बिजनेस है। यहाँ पर ये व्यापार करने के लिए आपको बाकायदा $3,00,000 का परमिट लेना होगा। दोस्तों, अगर आपको न्यूयॉर्क शहर में रहना है और वहाँ बसना है, तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और वो है आपको मिलियनेयर होना पड़ेगा, यानी हज़ारों लाखों नहीं बल्कि आपको मिलियंस कमाने होंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क में रहने वाला हर 21वां व्यक्ति मिलियनेयर है, तब जा कर के आप इस शहर में रह सकते हैं। दुनिया भर से यहाँ पर लोग आकर के किराए पर लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन यहाँ पर आकर के उस पूरी चीज़ों का आनंद वे लोग लेते हैं। पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इंग्लिश बोलने वाले यहाँ पर 51% लोग ही हैं। इसके अलावा साउथ पोल में जितनी ज़्यादा बर्फ़ वहाँ पर गिरती है, उससे कहीं ज़्यादा न्यूयॉर्क शहर में गिरती है। तो दोस्तों, ये थी न्यूयॉर्क के बारे में कुछ खास बातें जो हम आपको बताना चाहते थे। इसी तरह से दुनिया के किसी बड़े और अलग थलग देश की एक बार फिर से कोई वीडियो हम लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।